आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद की आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। अधिकारियों के मुताबिक ये केस 17 साल पुराना है। इससे पहले सोमवार दोपहर से ही नैनी जेल में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है, जबकि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। नैनी केंद्रीय जेल के कुछ अधिकारी ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वहीं अतीक के बेटे अली को एक अलग बैरक में रखा गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के मुताबिक 17 साल पुराने अपहरण के एक मामले में आरोपियों को 28 मार्च को अदालत में पेश किया जाना है। बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल मयूरी, बीते कल देर शाम को जब अतीक और अशरफ को अलग अलग जेलों से लाकर नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था, और आज 28 मार्च को करीब 12 बजे अतीक, अशरफ तथा चित्रकूट के जेल से लाया गया फरहान, इन तीनों को एमपी वाले कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो तस्वीरें हैं, जो अभी तक तस्वीरें सामने देखने को मिली है, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर देखे गए हैं, क्योंकि 8 प्रिजन मैन जो अभी नैनी सेंट्रल जेल के अंदर खड़ी हुई है, और जो हलचल है उससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस कुछ ही देर में अतीक अशरफ और फरहान को अलग अलग प्रिजन वैन में बैठा कर एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा। हालांकि तमाम तरह की अटकलें उस पर विराम लग गई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि अतीक अहमद को करीब 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अगर समय की बात की जाए तो करीब 11:30 से ज्यादा का समय हो रहा है। तो ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अतीक अहमद को 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो अब ये अटकलों पे विराम लग गया है, और करीब 12 बजे अतीक अहमद, अशरफ तथा फरहान को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरे मामले को अगर आपको सिलसिलेवार बताएं तो 25 जनवरी 2005 को राजू पाल, जो कि बसपा के शहर पश्चिमी के विधायक थे, उनको गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, और इस पूरे घटना में अतीक, अशरफ तथा अन्य 4 आरोपियों को नामजद किया गया था, और इस पूरे घटना का चश्मदीद गवाह उमेश पाल, जिसको सन 2006 में अतीक अहमद द्वारा अपहरण कर लिया गया था, और जब 2007 में उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में इस पूरे मामले की तहरीर दी थी, तो पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था, और इसमें 10 आरोपियों के ऊपर मुकदमा लिखा गया था। हालांकि इन जो 10 आरोपियों में एक आरोपी की मौत हो चुकी है, और जो 9 अन्य आरोपी है, जिसमें अतीक अहमद, अतीक अहमद का भाई अशरफ तथा इसका एक खास गुर्गा फरहान, जो कि चित्रकूट जेल में बंद था, उसको भी कल देर शाम को नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया है। तो ये तीनों आरोपी जो नैनी सेंट्रल जेल से जाएंगे तथा अन्य और जो 6 आरोपी है उनको एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात आज यहाँ पर देखी जाएगी कि करीब 17 साल बाद इस मामले पर कोर्ट का फैसला आएगा, और सबसे बड़ी अहम बात है कि अभी तक करीब 100 मुकदमों का इतना बड़ा अपराधी अतीक के ऊपर आज तक सजा नहीं सुनाई गई है, और आज इस मामले को लेकर अतीक अहमद के ऊपर सजा सुनाई जाएगी। तो एक बहुत खबर है कि अतीक अहमद के काले साम्राज्य पर उत्तर प्रदेश पुलिस का चाबुक चला है, और आज अतीक अहमद के ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। जी मयूरी, पवन, कोर्ट के बाहर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कितना पुलिस अलर्ट नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बीते कल की बात की है या अभी तो परसों की बात की जाए, जब अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लाने की कयावर शुरू की गई थी, तो करीब 1300 किलोमीटर का जो लंबा सफर है उसको सुरक्षित तरीके से पुलिस द्वारा तय किया गया, और बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को भी कल देर शाम को कड़े सुरक्षा के इंतजाम में नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। और अगर बारे सुरक्षा की बात की जाए तो अतीक अहमद जिस जेल में लाया गया है, ये नैनी सेंट्रल जेल है। तस्वीर ये देखिए, ये पीछे की जो तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर, ये खास प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए ये खास तस्वीर है। ये देखिए, प्रिजन में कहा जा रहा है किसी प्रिजन वैन में अशरफ को बैठाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर, ये देखिए, ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में अशरफ को ले जाया जा रहा है। तो अभी कुछ और प्रिजन वैन है जो नैनी सेंट्रल जेल के अंदर से निकलेंगे। कुल 8 प्रिजन वैन है, और उस 8 प्रिजन वैन
कैंटीन में अतीक अशरफ और अन्य लोगों को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम को दिखा रही है। आपने सवाल किया था कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर हम नैनी सेंट्रल जेल की बात करें, नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद तथा अशरफ को तन्हाई बैरक में रखा गया है। तन्हाई बैरक में कहा जाता है कि अपराधी तन्हाई में रहता है, उसके पास ना ही किसी तरह की सुविधा होती है, ना ही उसको किसी से मिलने दिया जाता है और ना ही उससे किसी से बात हो सकती है। तो अतीक अहमद और अशरफ को तन्हाई बैरक में रखा गया है, जबकि इसी जेल में अतीक अहमद का बेटा अली वो भी बंद है। अली के ऊपर रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप है। तो जिस तरीके से अतीक का यह पूरा कुनबा है और अपराधों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में आप जब अतीक अशरफ और फरहान को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा तो एक बड़ा फैसला जिसका पूरे भारत को इंतजार है, जिसका पूरे देश को इंतजार है, जिसका पूरे पूर्वांचल के लोगों को इंतजार है, वो आने वाला है। एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये पुलिस कर्मी है और ये देखिए पुलिस कर्मियों किस तरीके से लोग यहाँ बातचीत करते हुए देख रहे हैं। देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं, जो हलचल है, तो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से अतीक के मामले को लेकर लोगों में कौतूहल है और इस फैसले का किस तरीके से लोगों को इंतजार है। हालांकि अगर मुझे सुरक्षा की बात में बता रहा था तो सुरक्षा को लेकर जिस बैरक में अतीक अहमद को रखा गया है उसको सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है तथा जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं उनको बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस किया गया है। तो ये भी बताया गया कि इस पूरे कैमरे की निगरानी डीजी जेल लखनऊ द्वारा की जा रही है। मतलब अतीक अहमद के एक एक पल की हरकतों का डीजी जेल और उत्तर प्रदेश पुलिस नजर बनाए हुए है, क्योंकि इतने बड़े मामले का अपराधी आज नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया है और इसी नैनी सेंट्रल जेल से आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसका उपहार पहली बार सजा का ऐलान होगा। तो ये लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। और जिस तरीके से पूरे साम्राज्य की बात की जाए अतीक अहमद की, तो अतीक का पूरा खुलवा आज अपराधों से घिरा हुआ है। चाहे अतीक के भाई अशरफ की बात की जाए या अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की बात की जाए। शाइस्ता परवीन अभी हाल ही में बीते 24 फरवरी को उमेश टॉल के दिन दहाड़े हत्या के मामले में नामजद की गई है और उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है। पैसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक का पूरा कुनबा अपराधों से घिरा हुआ है और आज जब अतीक के ऊपर इतने बड़े मामले को लेकर फैसला सुनाएगी तो निश्चित रूप से प्रयागराज के लोगों के लिए, पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ा संदेश होगी और राहत भरी खबर होगी। जी मयूरी, पवन लगातार हलचले बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि अभी आपने बताया अतीक को 12 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो फैसला कब तक आ सकता है? जी बिल्कुल, अगर हलचलों की बात करें तो सुबह करीब 8 बजे से ही नैनी सेंट्रल जेल में आला अधिकारियों का जो आवागमन वो जो है जारी हो गया और एक एक करके कुल 8 प्रिजन वैन यहाँ पे लाई गई हैं। आपको प्रिजन वैन के बारे में बताते हैं, जिस प्रिजन वैन से अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है उसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। प्रिजन वैन के अंदर 4 लेयर बनाए गए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से है और उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, इसकी भी तस्वीर सामने आई है। मतलब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के एक-एक हरकतों का प्रशासन द्वारा नजर रखा जा रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से यहाँ पर सुगबुगाहट और जिस तरीके से जो तैयारियां हैं, वो थोड़ी ही देर में अतीक अहमद को यहाँ से निकाला जाएगा और करीब 12 बजे का समय जो है वो रखा गया है। तो ऐसे में करीब 12:30 के आसपास अतीक अहमद को इस पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद सजा का ऐलान होगा। तो निश्चित रूप से तस्वीरें महत्वपूर्ण है। एक बार और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें हैं नैनी सेंट्रल जेल की। देखिए अभी यहाँ से एक और गाड़ी निकलने वाली है और लगातार पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी और तमाम वो जो सुरक्षा कर्मी है वो भी लगाए गए। देखिए खास तस्वीरें आपको अपने दर्शकों को। हालांकि अभी के अंदर और 5 प्रिजन वैन है जो
अरेस्ट है और कुछ देर में वो प्रिजन वैन यहाँ से निकाली जाएंगी। ये कहा गया है कि जो प्रिजन वैन अभी निकली है उसी में अतीक अहमद को बैठाया गया है। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद असरत को कोर्ट में पेश किया जाएगा तथा एक तीसरा आरोपी फरहान भी है जिसको कल देर शाम को जेल से नहीं सेंट्रल जेल लाया गया है। तो निश्चित रूप से कुछ ही देर में पूरे भारत को जिस फैसले का इंतजार है उसकी घड़ी सामने आने वाली है और कुछ ही देर बाद जब अतीक अशरफ फरहान तथा अन्य तीन को पवन से संपर्क करने की फिर कोशिश करेंगे। बता दें नैनी जेल से न्यायालय तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। वहीं आज अतीक अहमद को कोर्ट में 12:30 बजे पेश किया जाएगा। बता दें अतीक अहमद को और उसके भाई को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल अपहरण मामले में आज प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें इसको लेकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 12:30 बजे पेशी होगी और फैसला ही जल्द आ जाएगा। बता दें कोर्ट के सामने हर संदिग्ध लोगों को पुलिस कर्मियों द्वारा हटाया जा रहा है। कोर्ट के आसपास कोई अतीक अहमद के समर्थक में नारेबाजी ना कर सके उन पर भी नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें नैनी जेल की है जहां देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। बता दें उमेश पाल अपहरण केस में पेशी के लिए जिस प्रिसव नैंस में आतंक और उसके भाई अशरफ को ले जाया जा रहा है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा कर्मियों का भी कड़ा इंतजाम किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में बैठाकर अभी कुछ ही देर बाद अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल अपहरण मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालिया दिनों में उमेश की हत्या कर दी गई थी, वहीं उसके अपहरण मामले में ये सुनवाई हो रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सनसनी उमेश पाल हत्याकांड ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन आज पूरे देश की निगाहें उमेश पाल अपहरण कांड के फैसले पर है। पहले राजू पाल के हत्याकांड की पैरवी, इसके बाद खुद के अपहरण कांड की पैरवी में रातों दिन गुजारने वाले उमेश पाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन दर्ज मुकदमे में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ और अन्य को फैसला सुनाया जाना है। इससे पहले अतीक अशरफ समेत अन्य आरोपित हाजिर अदालत में होंगे। बता दें आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई पर सत्ता पक्ष विपक्ष समेत सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों की निगाहें रहेंगी। माफिया अतीक को लेकर इन दिनों राजनीतिक भी गरमाई हुई है। ऐसे में प्रयागराज में अदालत में आने वाला फैसला नजीर बनने सरीखा होगा। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर दिग्गज वकीलों का तो जमावड़ा होगा, साथ ही अतीक अशरफ और गैंग मेंबरों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले जरूर पहुंचेंगे। अतीक समर्थकों के जमावड़े को लेकर पुलिस प्रशासन फिक्रमंद है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है, आप नैनी जेल के सामने मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल मयूरी, पहले तो ये तस्वीर है, देखिए प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए, अभी यहाँ पर जेल के अंदर सुबह से जो है लगातार वो प्रिजन वैन की गाड़ियां वो आती रही है और कुल मिला के 8 प्रिजन वैन यहाँ पर आई है। अगर प्रिजन वैन की बात करें तो अभी तक जेल के अंदर से 3 प्रिजन वैन बाहर निकली हैं, जिसमें से ये बताया गया है कि 1 प्रिजन वैन को सुरक्षा की दृष्टि से आगे ले जाया गया है, जबकि दूसरे प्रिजन वैन में अशरफ को बैठाला गया है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अतीक अहमद उसी प्रिजन वैन में है, लेकिन जिस तरीके से अभी जेल परिसर में आला अधिकारी है तो ऐसे में तस्वीरों देखकर कहा जा सकता है कि अभी अतीक अहमद को जो है नहीं ले जाया गया है।
क्योंकि जितने जिले के आला अधिकारी हैं वो अभी भी जेल परिसर में मौजूद हैं। हालांकि अगर अतीक अहमद को ले जाया गया होता तो उसके साथ जिले के आला अधिकारी भी फ्लीट में शामिल होते, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अभी अतीक अहमद को नहीं ले जाया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद फरहान को। फरहान के बारे में बताते चले कि उमेश पाल अपहरण मामले में फरहान का नाम भी मुख्य रूप से सामने आया था, और फरहान चित्रकूट के जेल में बंद था, जिसको कल देर शाम को नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया है। तो ऐसे में फरहान, अतीक अहमद, अशरफ तथा और 6 ऐसे आरोपी हैं जिनको कोर्ट में पेश किया जाना है। हालांकि उमेश पाल अपहरण कांड के मामले में कुल 10 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और उन 10 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में 9 आरोपी हैं, उनको कोर्ट में पेश होना है। और आज इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई के बाद अतीक अहमद तथा अन्य आरोपियों पर सजा भी सुनाई जाएगी। देखिए, अभी वो तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी, अंदर DSP की गाड़ी खड़ी हुई है और वो तमाम पुलिसकर्मी आपको यहाँ पे दिखेंगे जो सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। तो तस्वीरें बिल्कुल अभी इस बात का पुख्ता सबूत कही जा सकती है कि अतीक अहमद अभी जेल से नहीं निकला है। हालांकि 12 बजे के आसपास का समय रखा गया है कि अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अभी प्रिजन वैन निकली है और तमाम वो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि अतीक अहमद अभी जेल के अंदर ही है। हालांकि कई ऐसे चैनलों ने इस बात को जो है पुख्ता तरीके से चलाया है कि अतीक अहमद ले जाया गया। हमारे पास भी वो तस्वीरें थी जब वो तस्वीरें प्रिजन वैन के निकलते के समय की थी। हालांकि उस प्रिजन वैन में अतीक को नहीं देखा गया है, लेकिन जिस तरीके से जेल परिसर में यहाँ आला अधिकारी मौजूद है और जेल परिसर में अभी हलचल है, तो ऐसे साफ तौर पर कयास लगाए जा सकते हैं कि अतीक अहमद अभी जेल के अंदर ही है और उसको अभी कुछ देर बाद निकालने की कयावत वो की जा रही है और थोड़ी देर बाद अतीक अहमद को MPMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि कुल 8 प्रिजन वैन में से 3 प्रिजन वैन अभी तक यहां से निकली हैं और जो प्रिजन वैन यहां से गई हैं उसमें भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। प्रिजन वैन के अंदर 4 तरह के सुरक्षा लेयर बनाए गए हैं और उसके अंदर CCTV कैमरे से लैस है और इस पूरे CCTV की मॉनिटरिंग DG जेल लखनऊ द्वारा की जा रही है। तो मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक अहमद तथा अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और पुलिस लगातार इस मामले पर जो है अपनी नजरें बनाए हुए, प्रशासन लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा और देख रहा है, क्योंकि सुबह से ही जेल परिसर में आला अधिकारियों का आना जाना वो शुरू है और जो हलचल है वो सुबह से ही देखी जा रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से देखिए यहाँ पे माहौल शांत है, चूंकि तमाम मीडिया कर्मियों ने उस समय ये दिखाया कि प्रिजन वैन में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल बता रही हैं कि अतीक अहमद अभी भी जेल के अंदर है, क्योंकि जिले के आला अधिकारी अभी भी जेल परिसर के पास ही मौजूद है और 4 और ऐसी प्रिजन वैन है जो अंदर अभी खड़ी हुई है, उनको भी बाहर निकलना है। हालांकि अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को अलग अलग प्रिजन वैन में बैठाकर MPMLA कोर्ट में ले जाया जाना है, तो ऐसे में ये कयास लगाया जा सकता है कि अशरफ व फरहान को कोर्ट के लिए गया है, लेकिन अतीक को थोड़ी देर बाद यहां से निकाला जाएगा। जी जी पवन, देखें उमेश पाल अपहरण मामले में आज अतीक की पेशी हो रही है, पहली बार उसे सजा सुनाया जाएगा, तो उसमें उमेश पाल के परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या उनका कुछ बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, बीते दिनों जब हत्या के बाद हमने उमेश पाल के परिजनों से बात की तो उमेश पाल की माँ जो बुजुर्ग हो चुकी है, उन्होंने साफ तौर पर अतीक एंड कंपनी के खात्मा की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक अतीक का पूरा कुनबा समाप्त नहीं हो जाता है तब तक उमेश पाल या उमेश पाल के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाएगा। हालांकि अभी जब बीते दिनों पहले जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की कयावत शुरू की गई थी, उस दौरान भी हमने अतीक उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि अतीक अहमद तथा उसके पूरे परिवार को जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उनको फांसी की सजा मिले। तो निश्चित रूप से उमेश पाल का परिवार चाहता है कि अतीक का पूरा कुनबा है वो समाप्त हो जाए और इनके पूरे कुनबे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उमेश पाल को बीते 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस पूरे घटना में मुख्य रूप से अतीक अहमद तथा उसका भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद है, इनके ऊपर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है। और इस पूरे घटना के दौरान जब एक CCTV फुटेज सामने आया था तो उस फुटेज में ये देखा गया था कि अतीक का बेटा अशद उसमें मुख्य रूप से जो है हमला करते हुए देखा गया था। तो निश्चित रूप से जो उमेश पाल का परिवार है वो साफ तौर पर उनकी ये मांग है और उनका ये मानना भी है कि अतीक को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी जैसी सजा मिले, तब कहीं जाके उमेश पाल को और उमेश पाल के परिजनों को न्याय मिलेगा। जी मयूरी,
पवन आतिक अहमद को आज सजा सुनाया जाएगा तो क्या उमेश पाल का परिवार भी कोर्ट में मौजूद रह सकता है? देखिए, चूंकि ये आधिकारिक बातें हैं और इतने बड़े मामले को लेकर जब फैसला सामने आएगा तो निश्चित रूप से उनका परिवार सामने हो सकता है, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना किसी के परिवार में हो जाए और इस तरह के घटनाक्रम सामने आए तो निश्चित रूप से, चूंकि मैंने पहले बताया कि उमेश पाल की जो माँ है उनकी उम्र करीब 65 से 70 वर्ष के आसपास की है और इतने बड़े गम में जब परिवार होता है तो उनको तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और उम्र भी कहीं ना कहीं आड़े आती है। हालांकि इतने बड़े मामले में जब उमेश पाल से जुड़े मामले में आज फैसला आना है तो निश्चित रूप से उमेश पाल का परिवार भी कोर्ट परिसर में मौजूद होना चाहिए, चूंकि इतने बड़े फैसले की जब सुनवाई हो, इतने बड़े फैसले पर जब सजा सुनाई जाए तो निश्चित रूप से उमेश पाल का परिवार होगा, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी कि आखिर 17 साल बाद इस मामले पर आज MPML कोर्ट में सुनवाई है और आज अतीक अहमद को सजा सुनाई जाने वाली है, तो निश्चित रूप से उमेश पाल का परिवार है उसको कोर्ट में मौजूद रहना चाहिए। हालांकि कोर्ट की जो तस्वीरें वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार कोर्ट परिसर में भी चहल पहल बनी हुई है और जिस तरीके से अभी प्रिजन मैन यहाँ से निकली है तो निश्चित रूप से कोर्ट परिसर का माहौल जो है वो भी पूरी तरीके से जो है तो वो चल रहा है और निश्चित रूप से अभी कुछ ही देर बाद जब यहाँ से और गाड़ियां निकलेंगी, और कहा यह भी जा रहा है कि अब जो गाड़ी निकलेगी उसी में अतीक अहमद को निकाला जाएगा, तो निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद पूरे देश को जिस फैसले का इंतजार है उसकी घड़ी अब सामने है और कुछ ही देर बाद एक बड़ा फैसला कोर्ट का वो सामने आने वाला है और आज पहली बार अपराध के इतिहास में पहली बार आज अतीक अहमद के ऊपर सजा का ऐलान होगा। जी जी पवन, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और बता दें, अतीक अहमद की कोर्ट में कुछ ही देर में पेशी होगी और इस पूरे मामले पर उमेश पाल की मां ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा तो ये निवेदन है, RIUP ठीक है जो जज को फैसला सुनाना सुनाए, लेकिन ये फैसला सुनाए कि कम से कम इसको फांसी हो जाए। अगर नहीं फांसी की सजा सुनाते इसको बीच रोड पे इसको गोली मरवा दें, इसका एनकाउंटर करवा दें, जैसे मेरा बेटा मारा गया तो साथ में गनर मारे गए वैसे इसको भी मारा जाए। इसलिए मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, उस समय काले कोट पे था, दो गनर वर्दी भी थे, काले कोट और खाकी वर्दी की इसने इज्जत नहीं किया, मरवा दिया। तो आज मेरा बेटा मरा तो गनर हुआ, उसको भी किसी के बेटे थे। आज सबको दर्द हो रहा है, तो जैसे हम लोगों को दर्द हो रहा है वैसे ये मारा जाए तो इसके बीवी इसके बच्चों को दर्द होगी। परिवार में अगर कोई मारा जाता है तो कैसे दर्द होता है, अगर ये नहीं मारा जाता तो आज मेरे बेटे को मारा, कल मेरे परिवार को, इसको मरवाने में टाइम न लगे। लेकिन इसलिए मुझे मुख्यमंत्री से प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करना कि इसको जीवित न छोड़े। ये आप नैनी जेल से तस्वीरें देख रहे हैं। बता दें, कुछ ही देर में अतीक को कोर्ट ले जाया जाएगा। बता दें, 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज के MPML कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुना सकती है। बता दें, नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट से ले जाया जा रहा है। जेल से पहली वैन खाली रवाना की गई, दूसरी वैन में फरहान और फिर तीसरी वैन में अशरफ और आखिरी में अतीक को लेकर प्रिजन वैन कोर्ट के लिए निकली। 50 पुलिसकर्मी नैनी सेंट्रल जेल से कोर्ट के लिए लेकर निकले हैं। कोर्ट तक 10 किलोमीटर की दूरी 15 से 20 मिनट में तय होगी। वैन में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अतीक और अशरफ को अलग अलग वैन से अलग अलग रास्ते से कोर्ट ले जाया जा रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, अतीक और अशरफ को अलग अलग वैन से अलग अलग रास्ते कोर्ट ले जाया जा रहा है, कुछ ही देर में उनकी पेशी होगी। जी बिल्कुल मयूरी, अगर तस्वीरों में देखा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले जेल के अंदर से जो 8 प्रिजन वैन यहाँ पे लाई गई थी उसमें से 4 प्रिजन वैन बाहर निकल चुकी है।
जो पहली प्रिजन वैन निकली थी वो खाली थी। हालांकि वो इसलिए खाली रखी जाती है कि अगर रास्ते में किसी तरह की अवरोध हो या रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो प्रिजन वैन पहले वहां पहुंचे ताकि किसी तरह की घटना जो है उस पर सामने आने आए। और जो दूसरी प्रिजन वैन निकली है तो उसमें ये देखा गया है कि उसमें अशरफ को ले जाया गया है। हालांकि एक तीसरी प्रिजन वैन काफी देर बाद निकली है, करीब 10 मिनट बाद, तो उस प्रिजन वैन में तमाम पुलिसकर्मी आगे और पीछे लगे थे और आला अधिकारी भी थे, तो उससे कयास लगाया गया था कि उसी प्रिजन वैन में अतीक अहमद को भी यहां से निकाल लिया गया है। और अभी थोड़ी ही देर बाद एमपी एमएलए कोर्ट में अशरफ, अतीक तथा फरहान को पेश किया जाएगा। और उमेश पाल अपहरण कांड मामले में आज अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से वो तमाम गाड़ियां हैं वो कोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं। जी पवन, अतीक और अशरफ को अलग अलग वैन से अलग अलग रास्ते से कोर्ट ले जाया जा रहा है, तो क्या कोई रूट डायवर्जन भी किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीते कल देर शाम को अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लाया गया था और अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था, तथा जो तीसरा आरोपी फरहान है उसको एक दूसरी गाड़ी से चित्रकूट जेल से यहाँ लाया गया था, तो ऐसे में अलग अलग इनको लाने का एक ये भी था कि सुरक्षा की दृष्टि से इतने बड़े अपराधी और किसी तरह की कोई घटना ना होने पाए तो इसके लिए अलग अलग गाड़ियों और अलग अलग रूट तय किए गए थे। हालांकि आज ये सेंट्रल जेल से जो कोर्ट परिसर की दूरी है वो करीब 8 से 9 किलोमीटर की है, और अगर पूरे समय की बात करें तो करीब 12 से 15 मिनट लगेंगे जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियां निकली हैं। हालांकि अब जब अतीक अहमद और इन अपराधियों को यहाँ से ले जाया जा रहा है तो पुलिस की तमाम टीमें हैं जो रास्ते पर लगी हुई हैं और यातायात पुलिस लगाई गई है ताकि जो रास्ते में किसी तरह की ट्रैफिक ना हो और किसी तरीके से समय जो है वो ना टूटे और इनको समय से कोर्ट में पेश कर दिया जाए। तो ऐसे में अलग अलग रास्ते से ये तीनों गाड़ियों को ले जाया गया है और अभी जब थोड़ी देर पहले यहाँ जो पूरी तरीके से सुरक्षा से लैस है, सीसीटीवी कैमरे से लैस है, पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मियों की बात करें तो पुलिसकर्मियों को भी पूरी तरीके से सुरक्षा से लैस किया गया है। पुलिसकर्मियों के पास में जब आधुनिक हथियार है वहीं उनके ऊपर तमाम ऐसे जो सुरक्षा के उपकरण है वो भी दिए गए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा का जो है वो व्यापक इंतजाम किया गया है। और अभी जब थोड़ी देर पहले यहाँ से गाड़ी निकली है तो कयास लगाया जा रहा है कि करीब यही 15 से 20 मिनट के आसपास जो है ये पूरा ये कोर्ट परिसर में पहुंच जाएंगे और आधे घंटे के लगभग जो है इन पूरे मामले की सुनवाई होगी और अतीक अहमद के ऊपर सजा सुनाई जाएगी। जी पवन, देखिए तो ये पहली बार होगा जब अतीक अहमद को किसी केस में सजा सुनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अतीक अहमद के पूरे इतिहास की बात की जाए तो अतीक अहमद के ऊपर करीब 100 से ज्यादा बड़े आपराधिक मामले के मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद का भाई अशरफ, उसके ऊपर भी करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जिसमें जो संगीन मुकदमे हैं उसमें लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण, तमाम ऐसे जो संगीन मामले हैं उनके मामले दर्ज हैं। तो अभी तक जो इसका साम्राज्य था, अभी तक इसका जो रसूख था उसके बल पर तमाम ऐसी बातें सामने आई थी, जब पुलिस का आला अधिकारी भी अतीक का अतीक के बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सके, चूंकि जो अतीक का जो खौफ था वो पूरे पूर्वांचल में था। अतीक का जब यहाँ पर खौफ चलता था तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी अतीक के ऊपर कार्रवाई करने से डरते थे। हालांकि अब जिस तरीके से मौसम, जिस तरीके से सत्ता बदली, सरकार बदली और अब जिस तरीके से अतीक के ऊपर ये कार्रवाई है तो निश्चित रूप से ये पहली बार जब अतीक के ऊपर सजा सुनाई जाएगी तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, बड़ी तस्वीर भी है, खासकर से प्रयागराज के लोगों के लिए, पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए, क्योंकि पूरे पूर्वांचल में तमाम ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं जो अतीक के गुर्गों से, अतीक से, अतीक के काले साम्राज्य से। जी जी पवन, देखिए तो अभी थोड़ी देर में ही पेशी होगी अतीक और अशरफ की, तो अभी कोर्ट के बाहर कैसी हलचल देखने को मिल रही है, कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रही है पुलिस? जी बिल्कुल, अभी 10 मिनट पहले ही नैनी सेंट्रल जेल से अतीक, अशरफ और फरहान की गाड़ियां निकल चुकी हैं और करीब 5 मिनट के आसपास पूरी गाड़ियां जो है वो पहुंच जाएंगी कोर्ट परिसर के आसपास। तो कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला अधिवक्ता ने जो है बार एसोसिएशन से ये अपील की थी कि आज कोर्ट के मामले को रोक दिया जाए ताकि इतने बड़े संवेदनशील मामले को लेकर कोर्ट में व्यवस्था जो है वो समुचित हो। ऐसे में तमाम जो अधिवक्ता है आज वो कोर्ट परिसर में नहीं है क्योंकि आज इतने बड़े मामले की सुनवाई होनी है, तो ऐसे में कोर्ट परिसर में भी चहलकदमी है वो बढ़ गई है क्योंकि कुछ ही देर में, बस कुछ मिनटों में कह लीजिए कि अतीक, अशरफ और अफरान की गाड़ी जो है वो कोर्ट परिसर में पहुंचने वाली है, तो थोड़ी देर बाद इससे इतने बड़े मामले का जो फैसला जिसको पूरे देश का इंतजार है वो सामने आने वाला है। जी जी पवन, आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे फिर जुड़ेंगे। बता दें 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में थोड़ी देर में फैसला होगा। नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट ले जाया जा रहा है।
जेल से पहली वैन खाली रवाना की गई है, वहीं दूसरी वैन में फरहान, फिर तीसरी वैन में अशरफ और तीसरी में अतीक को लेकर प्रिजन वैन कोर्ट के लिए निकली है। 50 सुरक्षा कर्मी नैनी सेंट्रल जेल से कोर्ट के लिए लेकर निकले हैं। कोर्ट तक 10 किलोमीटर की दूरी 15 से 20 मिनट में तय होगी। वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट 12:30 बजे सुनवाई करेगा। और नरेंद्र गिरी प्रवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अतीक अहमद अशरफ है, उसमें और आरोपी हैं फरहान और बाकी कुछ नाम नहीं याद आ रहा है। सारे लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं जनपद न्यायालय MP MLA कोर्ट में। इनके ऊपर जो 17 साल पुराना मामला था इनका, उमेश पाल, स्वर्गीय उमेश पाल जी या भारत का जो आप दुनिया में नहीं रहे, मामला ये था कि इन्होंने अपहरण करके उमेश पाल को अपने चकिया कार्यालय में ले गए थे, जहाँ पे उनसे मारे पीटे और अंगाने की उम्मीद थी। तो जिसमें धारा 147, 48, 49, 341, 342 और 364A, उसमें जो आप धारा बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी धारा कौन, सबसे बड़ी धारा इसमें 364A है, जिसमें जो है आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा है। बाकी सारी धाराएं 2 साल से लेकर 554 तक की धाराएं हैं, सबसे बड़ी धारा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, उमेश पाल अपहरण केस में आज अतीक की पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनी जेल से अतीक को लेकर पुलिस निकली है। बता दें कुछ ही देर में अतीक की MP MLA कोर्ट में पेशी होगी। पेशी के लिए अतीक को पुलिस लेकर निकली है। थोड़ी देर में अतीक को कोर्ट लेकर पहुंचेगी पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल अपहरण केस में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुरक्षा को लेकर सुनवाई से इनकार किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है। उमेश पाल अपहरण केस में आज अतीक की पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नैनी जेल से अतीक को लेकर पुलिस निकली है। पेशी के लिए अतीक को लेकर पुलिस निकली है। थोड़ी देर में अतीक को लेकर कोर्ट पहुंचेगी पुलिस। बता दें उमेश पाल अपहरण मामले में आज कोर्ट सुनवाई करेगा। अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है। उमेश पाल अपहरण केस में आज अतीक की पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनी जेल से अतीक को लेकर पुलिस निकली हुई है। पेशी के लिए अतीक को लेकर पुलिस निकली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनी जेल से लेकर अतीक को पुलिस निकली है। थोड़ी देर में अतीक को लेकर कोर्ट पहुंचेगी पुलिस। और सीधे आपको ले चलते हैं प्रयागराज के MP MLA कोर्ट। ये सीधी तस्वीरें आप MP MLA कोर्ट से देख सकते हैं। पूरे MP MLA कोर्ट को छावनी में तब्दील किया गया है। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि पुलिस अतीक, अशरफ और फरहान को लेकर कोर्ट में पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में तीनों की पेशी होगी और सजा का ऐलान होगा। बता दें चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर देखने को मिल रही है। अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज के MP MLA कोर्ट से देख रहे हैं, जहां उमेश पाल अपहरण केस में आज सुनवाई होगी। और इस पर हमारे संवाददाता नंदलाल हमसे जुड़ चुके हैं। नंदलाल, आज अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है, कोर्ट में पहुंच भी चुके हैं, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है?
ये आप एमपी एमएलए कोर्ट के सामने से सीधी तस्वीर देख रहे हैं जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं प्रशासन की तरफ को भी बड़ी चुनौती होगी। बता दें माफिया अतीक अहमद को कोर्ट में लाया जा रहा है और कुछ ही देर में पेशी होगी और उसके बाद सजा का ऐलान हो जाएगा। ये पहली बार होगा जब अतीक अहमद को किसी मामले पर सजा सुनाई जा रही है। बता दें उमेश पाल अपहरण केस में आज कोर्ट में पेशी हो रही है। कुछ ही देर में अतीक अहमद को सजा सुनाया जाएगा। बता दें कल अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था साबरमती जेल से। वहीं उसे नैनी जेल में रखा गया था जहां से पुलिस लेकर निकल चुकी है। कुछ ही देर में अभी कोर्ट में पेशी होगी। बता दें अभी 12:30 बजे पेशी होगी और कुछ ही वक्त रह गया है पेशी में, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि कुछ ही देर में एमपीएमएलए कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। उमेश पाल अपहरण मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुना रही है और ये पहली बार होगा जब अतीक अहमद को फैसला सुनाया जाएगा। बता दें उमेश पाल अपहरण कांड में सभी आरोपियों के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ी धारा आईपीसी की धारा 364 है जो अपहरण के दंड का प्रावधान करती है। जिला शासकीय बता दें कि इस मामले में अधिकतम सजा फांसी अथवा आजीवन कारावास और जुर्माना की व्यवस्था है। जो किसी व्यक्ति का अपहरण करता है या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखकर जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या उसके आचरण एक उचित आशंका पैदा होती है, ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जाती है तो वह मौत की सजा या कारावास जीवन और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। और हमारे संवाददाता हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, कुछ ही देर में अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होगी। जी बिल्कुल मयूरी, आप होने वाली पेशी के माध्यम से यहां पर सजा का ऐलान भी होगा। सजा क्या होगी फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है, पर एक बात स्पष्ट है कि सैकड़ों से ज्यादा मामले अतीक अहमद पर दर्ज है और पहली बार किसी मामले में सजा का ऐलान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये राहत उन लोगों के लिए है जो कि तमाम तरह के मामलों से आतंकित, जिनको अतीक अहमद द्वारा परेशान किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं एक बात संदेश ये भी है कि जरायम की दुनिया में आप कितने भी बाहुबली हो, पर अगर कोर्ट चाहेगी या जो न्यायपालिका में चाहेगी तो आपको समय अनुसार यहाँ पर फैसला दिया जाए। हालांकि न्यायपालिका की जिस तरह से यहाँ पर देरी हुई, तारीख पर तारीख बदलती जा रही है और उसके बाद अब फैसला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये त्वरित कार्रवाई का नमूना नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि इतने साल बाद कार्रवाई का फैसला क्यों आ रहा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जिसके अपहरण के यहाँ फैसला आने वाला है वो इस समय दुनिया में नहीं है, क्योंकि बीती 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है न्यायपालिका पर भी, प्रशासन पर भी और तमाम ऐसी व्यवस्थाओं पर भी, जिसको लेकर हम कहते हैं कि कोर्ट में तारीख पर तारीख बदलती रहती है और जो इस तरह के माफिया हैं वो कानून को अपने हाथ से चलाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं अब ये संदेश कानून के माध्यम से भी जाएगा
कि कितना भी कानून को आप अपना समझें कि कानून से आप खेलते रहेंगे, पर कानून एक दिन आपको सजा जरूर देगा। फिलहाल यही यहाँ पर एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है जहाँ पर अतीक अहमद को यह सजा मिलने वाली। जी गौरव, देखिए कि हाई कोर्ट से अतीक अहमद को राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है हाई कोर्ट जाने के लिए। कि बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा मामला ये था कि अतीक अहमद ने यहाँ पर अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी, उनके परिजनों ने लगाई थी, अतीक अहमद ने लगाई थी, ये कहा था कि सुरक्षा को खतरा है, और उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो अभी तक साबरमती जेल में बंद थे वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको वहां पर पेशी कराई जाए और उनको ना ले जाया जाए प्रयागराज, को लेकर उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और जेल में भी सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात कही थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा आदेश दिया है और फिलहाल ये अतीक अहमद के लिए आज की सुनवाई से पहले बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में इस मामले को आप रखिए, हम इस मामले में आपकी याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इस सजा से पहले उमेश पाल अपहरण हत्याकांड अपहरण कांड से पहले इस तरह की जो सजा इस तरह की याचिका जो खारिज हुई है, कहीं ना कहीं ये पहला झटका अतीक अहमद को मिल चुका है। फिलहाल अब इस सजा में क्या होने वाला है, अपने 2006 के इस मामले में क्या सजा होने वाली है वो कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा। जी गौरव, देखिए अभी 12:30 बजे पेशी होगी, तो कब तक फैसला आ सकता है? देखिए 12:30 अगर पेशी होगी तो निश्चित रूप से ये फैसला मान सकते हैं, क्योंकि सुनवाई अगर हम बात करें तो 27 जनवरी को सुनवाई 27 मार्च को यहाँ सुनवाई हो गई थी, उसके बाद फैसला आने वाला है। तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात कही जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर यानी लगभग 2 बजे के लगभग ये फैसला आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये फैसला एक नजीर पेश करेगा कानून व्यवस्था को लेकर, न्याय व्यवस्था को लेकर, तमाम ऐसे लोग जो पीड़ित थे अतीक अहमद की तमाम तरह की वारदातों के कारण। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। फैसले की घड़ी आ गई है। अदालत में फैसला सुनाने से पहले माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रयागराज लाया गया था। सोमवार की शाम 5:30 बजे माफिया अतीक को लेकर पुलिस का काफिला नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा। अतीक की अभिरक्षा में 2 IPS समेत 45 पुलिसकर्मी शामिल रहे। अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। जेल के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील है। बता दें कि रविवार की शाम अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकले अतीक के लिए रात किसी कयामत से कम नहीं थी। तमाम शक और आशंकाओं के बीच माफिया का 1300 किलोमीटर का सफर गुजरा। साबरमती जेल से वज्र वाहन में सवार अतीक का सुरक्षा घेरा प्रयागराज तक बढ़ता ही गया, जिससे राज्य जिले की सीमा में अतीक पहुंचने वाला था वहां फोर्स पहले से मुस्तैद रही। शाम को अतीक पुलिस के काफिले के साथ नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा, जहां से अब अतीक को MPMLA कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां अभी कुछ ही देर में अतीक की पेशी होगी और कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। ये पहली बार होगा जब किसी मामले में अतीक अहमद को सजा होगी। बता दें हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सनसनी उमेश पाल हत्याकांड ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन आज पूरे देश की निगाहें उमेश पाल अपहरण कांड के फैसले पर होगी। पहले राजू पाल हत्याकांड की पैरवी, इसके बाद खुद के अपहरण कांड की पैरवी में रातों दिन गुजारने वाले उमेश पाल अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दर्ज मुकदमे में माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ और अन्य को फैसला सुनाया जाना है। इससे पहले अतीक, अशरफ समेत अन्य आरोपित हाजिर अदालत होंगे। बता दें प्रयागराज के MPMLA कोर्ट की सुनवाई पर सत्ता पक्ष विपक्ष समेत सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों की निगाहें रहेंगी। माफिया अतीक को लेकर इन दोनों राजनीति भी गरमाई हुई है। ऐसे में प्रयागराज में अदालत में आने वाला फैसला नाजिर बनेगा। बता दें MPMLA कोर्ट के बाहर दिग्गज वकीलों का तो जमावड़ा होगा, साथ ही अतीक, अशरफ और गैंग मेंबरों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले जरूर पहुंचेंगे। अतीक समर्थकों के जमावड़े को लेकर पुलिस प्रशासन फिक्रमंद है। बता दें जिला अदालत की सुरक्षा इंतजाम पर परिंदा भी पर ना मार सके, सरीखा करने की कवायद है। पुलिस PAC RAFF की तैनाती के साथ खुफिया व STF की टीमें निगरानी रखेंगी। उमेश पाल हत्याकांड जिस तरीके से अंजाम दिया गया, इसके बाद तो सरकारी वकीलों ने भी कोर्ट के आसपास सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है। उधर देर रात नैनी जेल में अशरफ की बैरक बदल दी गई। बता दें उमेश पाल अपहरण कांड में सभी आरोपियों के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं, इनमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ी धारा IPC की धारा 364A की अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है।
इस मामले में अधिकतम सजा फांसी अथवा आजीवन कारावास और जुर्माना की व्यवस्था है। बता दें उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक अहमद अशरफ समेत सभी आरोपियों के समक्ष सुनाया जाएगा। अदालत के समक्ष फैसले के लिए नियत तारीख पर संबंधित मुकदमे की सुनवाई का दृश्य कुछ इस प्रकार होगा। फैसले को देखते हुए न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला न्यायालय कक्ष में आकर न्यायाधीश की कुर्सी पर पीठासीन होंगे। फैसले के मुकदमे में संबंधित पत्रावली एवं निर्णय उनके समक्ष रखा जाएगा। अतीक अशरफ समेत सभी आरोपियों के नाम की पुकार लगाई जाएगी। इसके बाद सभी आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बता दें उमेश पाल अपहरण कांड में आज फैसला आना है। अतीक की पेशी अभी कुछ ही देर में होगी जहां कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बता दें साबरमती जेल से लाकर माफिया अतीक अहमद को व्यक्तिगत रूप से एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट में आज पेश किया जा रहा है। यह पेश उमेश पाल अपहरण कांड के मुकदमे में होनी है जिसका फैसला आ जाना है। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल को पूर्व सांसद अतीक अहमद उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गया। वहां उमेश पाल को मारा पीटा गया व गवाही से ना पलटने पर जान से मारने की धमकी दी। बता दें उमेश पाल अपहरण कांड में सभी आरोपियों के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उनमें विभिन्न धाराएं शामिल हैं जिनमें आईपीसी की धारा 364 सबसे बड़ी धारा है जो अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। बता दें उमेश पाल हत्याकांड की जांच अभी चल रही है लेकिन इसके अपहरण कांड का फैसला आने वाला है। 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था और 2023 में उसकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। उमेश के अपहरण से लेकर मौत तक का सफर तय हो गया। अब 17 साल बाद अपहरण कांड पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसको सुनने के लिए उमेश पाल अब जिंदा नहीं है, फैसला आ जाना है। ऐसे में अपहरण कांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और अतीक अहमद के वकील का क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। ये बताना एकदम से असंभव है जी। तो क्या अगली रणनीति क्या होगी यहाँ से आज के बाद? निर्णय के बाद रणनीति होगी। मतलब आप लोगों ने ये तैयारी कर ली है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो इसे ऊपर की अदालत में चुनौती देंगे? मैंने बताया ना कि ये अपील का अधिकार है। आप ये अतीक अहमद के वकील को सुन रहे थे। बता दें कि कुछ ही देर में अभी फैसला आ जाएगा। बता दें उमेश पाल हत्याकांड की जांच अभी चल ही रही है लेकिन उसके अपहरण कांड का फैसला आ जाने वाला है। 2006 में उमेश का अपहरण हुआ था और 2023 में उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। उमेश के अपहरण से लेकर मौत तक का सफर तय हो गया। अब 17 साल बाद अपहरण कांड पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसको सुनने के लिए उमेश पाल अब जिंदा नहीं है, फैसला आ जाना है। ऐसे में अपहरण कांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है ताकि सुर्खियों में रहे इस कांड पर फैसला उसके सामने सुनाया जा सके। जब उमेश पाल की हत्या हो गई तो हर किसी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। बता दें उमेश के अपहरण की कहानी 25 जनवरी 2005 को हुए बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी है। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह था। आरोप है कि गवाही से रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण किया गया। उमेश को अगवा कर जबरन बयान दिलवाया गया। उमेश ने एक साल बाद धूमनगंज थाने में 2017 में क्राइम नंबर 270/2007 के तहत केस दर्ज कराया था। अपहरण के मुकदमे में अतीक भाई अशरफ दिनेश अंसार जावेद इशरार आसिफ उर्फ मल्ली एजाज अख्तर समेत 11 को नामजद किया गया।
बता दें कि कोर्ट में माफिया अतीक के साथ बरेली जेल में बंद भाई अशरफ की भी आज पेशी होगी। उसे भी बरेली जेल से प्रयागराज कल देर शाम लाया गया। इसके लिए आज बता दें कि पेशी होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को भी लाया गया। बता दें अतीक के खिलाफ लखनऊ के भूमि कारोबारी मोहित अग्रवाल को अगवा कर देवरिया जेल ले जाकर पीटने का मामला चर्चा में आया था, जिसके बाद उसको बरेली जेल से इसके बाद नैनी जेल भेजा गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे साबरमती जेल भेजने का आदेश हुआ था। वहीं अब साबरमती जेल से एक बार फिर से 4 साल बाद अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है और आज कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। और बता दें कोर्ट के बाहर पूरी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में अतीक अहमद पर फैसला आ जाएगा। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड की जांच अभी चल रही है, लेकिन उसके अपहरण कांड का फैसला आने वाला है। 2006 में उमेश का अपहरण हुआ था और 2023 में उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। उमेश के अपहरण को लेकर मौत तक का सफर तय हो गया। अब 17 साल बाद अपहरण कांड पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बता दें हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सनसनी उमेश पाल हत्याकांड ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन मंगलवार को पूरे देश की निगाह उमेश पाल अपहरण कांड के फैसले पर होगी। पहले राजू पाल हत्याकांड की पैरवी, इसके बाद खुद के अपहरण कांड की पैरवी में रातों दिन गुजारने वाले उमेश पाल अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दर्ज मुकदमे में माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ और अन्य को फैसला सुनाया जाना है। इससे पहले अतीक, अशरफ अन्य आरोपित हाजिर अदालत होंगे। बता दें आज फैसला आएगा। बता दें उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को पेशी के लिए प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया गया है। इसके भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी फरहान को भी कोर्ट में पेश किया गया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट में मामले में अहम सुनवाई हो रही है। कोर्ट इस मामले में आज फैसला देने वाले अतीक के साथ ऐसा पहली बार होगा जब उसे किसी मामले में दोषी ठहराया जा सकता है। उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस थे, लेकिन अभी तक किसी मुकदमे में उसे दोषी नहीं ठहराया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को नैनी जेल से एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया गया है। इसके साथ भाई अशरफ और अन्य आरोपी फरहान को भी कोर्ट में पेश किया गया। थोड़ी देर में कोर्ट उमेश पाल अपहरण केस में फैसला सुनाएगी। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को कोर्ट में ना पेश किए जाने को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अतीक की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी कि उसे जान को खतरा है, इसलिए यूपी की प्रयागराज की कोर्ट में उसे पेश होने से रियायत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा सुरक्षा राज्य सरकार का मसला है और वे इस मामले पर लेकर हाई कोर्ट जाएं। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद की पेशी के लिए अतीक को लेकर कोर्ट पहुंचा पुलिस महकमा। बता दें अतीक का भाई माफिया अशरफ भी कोर्ट पहुंचा है। कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला आ जाएगा।
अतीक का भाई माफिया अशरफ भी कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होगी। बता दें उमेश पाल अपहरण केस में आज MP MLA कोर्ट फैसला सुनाएगा। अतीक और अशरफ की पेशी होगी और कुछ ही देर में अभी फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सनसनी उमेश पाल हत्याकांड ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन आज पूरे देश की निगाहें उमेश पाल अपहरण कांड के फैसले पर है। पहले राजू पाल हत्याकांड की पैरवी, इसके बाद खुद के और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप यशवर्धन जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। थैंक यू। सर आज अतीक अहमद की पेशी हो रही है और ये पहली बार होगा जब अतीक अहमद को किसी को सजा सुनाई जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मेरे कहने लायक कुछ भी नहीं है मैडम, ये तो कोर्ट कहेगी जो कहेगी। कोर्ट एविडेंसेस की भी आप पे सजा सुनाती है या डेट को एडजॉर्न करती है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। और अगर अतीक अहमद के वकील अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाएंगे और सरकार के पैरोकार अपने बात को मजबूती से रख ले जाएंगे तो सजा सुना दी जाएगी। अब सजा क्या सुनाई जाएगी, कितने दिन की सुनाई जाएगी, ये डिपेंड करता है कि कोर्ट उस केस की ग्रेविटी को कितना ले रही है, एविडेंसेस कितने के सपोर्ट में दाखिल किए गए हैं सरकार के तरफ, और जो अतीक अहमद के वकील हैं वो उन पर कितना अच्छा आर्गुमेंट कर पाते हैं, कितना उसको उसको एडजुडिकेट ना करा पाने में कामयाब होते हैं, तो ये सारी बातें सर अतीक अहमद के पूरे मामले को देखें कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ भी देने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? राजनीति राजनीति में जुड़े हैं, अपराध में जुड़े हैं, अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ हुआ करता था। कभी आज माफिया होता था वो राजनेता अपने आप मान लिया जाना जाता था, उसकी जनस्वीकार्यता अपने आप बढ़ जाया करती थी, वही अतीक अहमद के साथ हुआ है। तो अब इसको लेकर के जो विपक्ष से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, उन्हीं के सिंबल पर वो नेता बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी इस बात को डिफेंड करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का या किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ सरकार बनाम अतीक अहमद, सरकार का मतलब सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे और पार्टी की हो, अब सरकार अपनी बातों को कितनी मजबूती से अतीक अहमद के खिलाफ रख पाती है ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट का फैसला इसकी बात पे निर्भर करेगा और राजनीति अभी भी हो रही है और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद भी राजनीति होती रहेगी। दिलीप जी देखें कि अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस हैं, तो ऐसी क्या वजह रही कि अब तक इन्हें किसी भी मुकदमे में सजा नहीं सुनाई गई? रही इस पर कमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अतीक अहमद का ही मामला नहीं है, इस देश में लंबित मामलों की एक बड़ी लिस्ट और वो किसी न किसी कारण से लंबित हो रहे हैं, तो उन्हीं में से एक कारण अतीक अहमद के साथ भी है। पहली बात तो कारण ये है अतीक अहमद अभी तक
पार्टी की सरकार थी उसी पार्टी के नेता हैं, तो उस रेजिम में अगर कोई केस होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लंबित ही रहेगा, उस पर कभी फैसला नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने उसकी पैरोकारी करनी शुरू करी है, लेकिन ये जो फैसला अभी भी होगा ये अंतिम फैसला नहीं होगा, ये लोअर कोर्ट का फैसला है, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट बचती है, सुप्रीम कोर्ट बचती है। तो इस फैसले को अगर ये लोअर कोर्ट का अंतिम फैसला भी होगा तो उसको अंतिम कोर्ट की नजर से तो माना जाएगा, लेकिन अतीक अहमद की तरफ से वो अंतिम नहीं होगा, क्योंकि अतीक अहमद को इस देश के कानून से आगे अपील करने की इजाजत दे रखी है, तो वो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट में अप्रोच जरूर करेंगे उसको लेकर के। बाकी लंबित पड़े मामलों की सबसे बड़ा जो कारण मेरी समझ में आता है कि हमारे ही कानून में लूपहोल्स होते हैं, दूसरा इस तरह के केसेस के एडजुडिकेशन के लिए कोई टाइम लिमिट निर्धारित नहीं है कि अगर क्रिमिनल का केस है तो इतने दिन की इतनी समय सीमा की अवधि के अंतर्गत उसका निर्धारण होना ही होना चाहिए। जिस दिन सरकारों के द्वारा संसद के द्वारा ये समय सीमा तय कर दी जाएगी उस दिन प्रेवलेंसी ऑफ केसेस इस देश में कम होने लगेगी। जी दिलीप जी, देखिए अतीक अहमद मामले को लेकर सरकार भुनाने की कोशिश कर रही है, लगातार उनका यही कहना है कि जो पहली सरकार थी उसमें कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता था, जो कार्रवाई हो रही है वो हमारे सरकार में हो रहा है, तो क्या ऐसा कुछ था? इस बात में काफी हद तक सत्यता भी और काफी हद तक राजनीति भी। सत्यता ये है कि हाँ, चूंकि समाजवादी पार्टी के ही जन्मे हुए अतीक अहमद हैं और समाजवादी पार्टी में इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, सब भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हमने कार्यवाही करके इसको आगे बढ़ाया, सजा दिलवाई, ये सत्य तो है लेकिन राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अतीक अहमद ही एक ऐसा नाम नहीं है जो क्रिमिनल की लिस्ट में आता है। इस देश की, उस प्रदेश की जेलों में हजारों लोग ऐसे बंद हैं जो संगीन जुर्मों में बंद हैं या जिन पर अभी तक ऐसे केसेस हैं जिनकी फाइनलिटी नहीं हो पाई है। तो ये तो एक अतीक अहमद राजनेता होने के मामले की वजह से चर्चित हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्चा में नहीं है लेकिन बड़े संगीन जुर्म में उनके ऊपर धाराएं, बड़ी संगीन धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन उनके भी तो फैसले नहीं हो पा रहे हैं। सरकार अगर हर क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन ले रही है तो फिर अतीक अहमद के खिलाफ ही नहीं, उसको सारे सारे माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जितने भी माफिया हैं, चाहे वो सत्ता से जुड़े हों, चाहे वो विपक्ष से जुड़े हों, चाहे वो किसी पार्टी से ना जुड़े हों, सबके खिलाफ लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात। जी दिलीप जी, देखिए उमेश पाल अपहरण का मामला 2006 का मामला है और आज 2023 है, 17 साल बाद इस मामले पर फैसला सुनाया जा रहा है, इतना वक्त लग गया, कहां कमी देखते हैं? कानून के सिस्टम में मैंने आप ही कहा ना कि हमारे देश में इस तरह के जो केसेस होते हैं उन्हें उनको डिसाइड करने की कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइम बारिंग नहीं। जी जो टैक्सेशन से जुड़े मामले होते हैं, टैक्सेशन से जुड़े मामलों में एक टाइम लिमिट होती है कि कितने दिन के अंदर किस डेट तक किस बात का फैसला होता है। लेकिन क्रिमिनल के मामले में ऐसी टाइम लिमिट अभी तक हमारे कानून में डिफाइन नहीं करी गई है, तो जब किसी वाद के निस्तारण की कोई समय सीमा नहीं, कितने एडजॉर्नमेंट्स दिए जाएंगे इसका कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई लिमिट फिक्स नहीं है, तो फिर वो अनिश्चितकालीन जब तक टल सकते होंगे तब तक टाले जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि इस अपराधी का पक्ष कठोर हो, वो ये चाहता है कि फैसला ना हो, फैसला ना होने की वजह से वो एडजॉर्नमेंट कारण से एडजॉर्नमेंट लेता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल जस्टिस नाम की चिड़िया है, वो नेचुरल जस्टिस ये कहती है कि हर अपराधी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो पूरा मौका कितने समय सीमा में मिलना चाहिए, कितनी बार में मिलना चाहिए, कितने दिन में मिलना चाहिए, इसका कोई निश्चित पैरामीटर नहीं। जी सर, देखिए ये कुख्यात अपराधी है और लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, इस पूरे मामले पर राजनीति होना, इसको कितना सही मानते हैं? देखिए राजनीति में सही और गलत का कोई पैरामीटर नहीं होता है, राजनीति को सही और गलत दसवीं से देखेंगे तो राजनीति नहीं, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर राजनीति कभी नहीं हो पाएगी। तो राजनीति में मुद्दे ढूंढे जाते हैं और जाहिर सी बात है कि दो पक्ष अगर अलग अलग बातें कह रहे हैं जी, तो एक सही होगा एक गलत होगा जी, या थोड़ा एक सही होगा थोड़ा दूसरा गलत होगा, लेकिन 100% ना तो कोई सही होता है ना 100% गलत होता है, और ये कॉन्ट्रोवर्सी ही है जो राजनीति को आगे बढ़ाती रहती है और ये हमेशा होती रही। ऐसा अहमद को लेकर के पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। जी धन्यवाद दिलीप जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।
बता दें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सनसनी उमेश पाल हत्याकांड ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन आज पूरे देश की निगाहें उमेश पाल अपहरण कांड के फैसले पर है। पहले राजू पाल हत्याकांड की पैरवी, इसके बाद खुद के अपहरण कांड की पैरवी में रातों दिन गुजारने वाले उमेश पाल अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दर्ज मुकदमे में माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ और अन्य को फैसला सुनाया जाना है। इससे पहले अतीक, अशरफ समेत अन्य आरोपित हाजिर अदालत होंगे। और अतीक अहमद को लेकर क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए ये बताना एकदम से असंभव है जी। तो क्या अगली रणनीति क्या होगी यहाँ से आज आज के बाद? निर्णय के बाद रणनीति तय होगी। मतलब आप लोगों ने ये तैयारी कर ली है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो इसे ऊपर की अदालत में चुनौती देंगे? मैंने बताया ना कि ये अपील का अधिकार है। नाम नहीं आता है, सारे लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं जनपद न्यायालय MP MLA कोर्ट में। इनके ऊपर जो 17 साल पुराना मामला था इनका, उमेश पाल वर्गीय उमेश पाल जी अपहरण कांड, जो आप दुनिया में नहीं रहे, मामला ये था कि इन्होंने अपहरण करके उमेश पाल को अपने चकिया कार्यालय में ले गए थे, जहाँ पे उनसे मारे पीटे और अंगारे की उम्मीद थी। तो जिसमें धारा 147, 48, 49, 342 और 364 ए, उसमें जो आप धारा बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी धारा कौन? सबसे बड़ी धारा इसमें 364 ए है, जिसमें जो है आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा है। बाकी सारी धाराएं 2 साल से लेकर 554 तक की धाराएं हैं, सबसे बड़ी धारा। मेरा तो ये निवेदन है, RIUP ठीक है जो जज को फैसला सुनाना सुनाए, लेकिन ये फैसला सुनाए कि कम से कम इसको फांसी हो जाए। अगर नहीं फांसी की सजा सुनाते तो इसको बीच रोड पे इसको गोली मरवा दें, इसका एनकाउंटर करवा दें। जैसे मेरा बेटा मारा गया तो साथ में गनर मारे गए, वैसे इसको भी मारा जाए। इसलिए मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, उस समय काले कोट पे था, दो गनर वर्दी भी थे, काले कोट और खाकी वर्दी की इसने इज्जत नहीं किया, मरवा दिया। तो आज मेरा बेटा मरा तो गनर हुआ, उस वो भी किसी के बेटे थे। आज सबको दर्द हो रहा है, तो जैसे हम लोगों को दर्द हो रहा है वैसे ये मारा जाए तो इसके बीवी इसके बच्चों को दर्द होगी। परिवार में अगर कोई मारा जाता है तो कैसे दर्द होता है, अगर ये नहीं मारा जाता तो आज मेरे बेटे को मारा, कल मेरे परिवार को, उसको मरवाने में टाइम न लगेगा। लेकिन इसलिए मुझे मुख्यमंत्री से प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करना कि इसको जीवित न छोड़े। दादी उमेश पाल अपहरण मामले में पेशी के लिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस वैन से MP MLA कोर्ट ले आया गया है। इस वक्त सभी आरोपित कोर्ट रूम में मौजूद हैं। उम्मीद जताई जा रही है दोपहर 1 बजे तक कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। बता दें प्रयागराज उमेश पाल अपहरण मामले में पेशी के लिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस वैन में MP MLA कोर्ट ले जाया गया है। इस वक्त सभी आरोपित कोर्ट रूम में मौजूद हैं। उम्मीद जताई जा रही है 1 बजे तक कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। फैसला सुनाने के लिए न्यायाधीश दिनेश चंद्र भी कोर्ट पहुंच गए हैं। अतीक और उसके भाई की पेशी की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं उमेश पाल की पत्नी ने बातचीत करते हुए मांग की है कि अतीक अहमद को कोर्ट में फांसी की सजा दी जाए। बता दें कि MP MLA कोर्ट द्वारा फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले को लेकर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। वहीं उनके भाई अशरफ को बरेली सेंट्रल जेल से प्रयागराज लाया गया है। दोनों भाइयों को नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। आरोप है कि साल 2006 में 28 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय ले गए थे। उमेश पाल ने अतीक अहमद सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनका भाई पूर्व विधायक व खालिद अजीम और फरहान जेल में बंद हैं, जबकि दिनेश पासी खान, सोहत हनीफ, जावेद उर्फ वज्जू, आबिद इशरार, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर जमानत से बाहर हैं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अतीक को उम्र कैद हो सकती है।
बता दें उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट रूम में कड़ी व्यवस्था भी की गई है। बता दें उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट रूम में उसके बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। हाई सिक्योरिटी के तहत अतीक और उसके भाई अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से ले आया गया था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों को अलग अलग प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया था। अतीक और उसके भाई की पेशी के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। अशरफ सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट रूम और बाहर की सुरक्षा भी कड़ी व्यवस्था की गई है। बता दें प्रयागराज कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। ये पहली बार हुआ है जब अतीक अहमद को किसी मामले पर सजा सुनाई जाएगी। प्रयागराज कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अतीक, अशरफ और फरहान दोषी करार किए गए हैं। बता दें कि आज इनकी पेशी हुई है। वहीं कोर्ट ने अतीक, अशरफ और फरहान को दोषी करार दिया है। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। एमपीएमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। बता दें कि इस दौरान कोर्ट के बाहर और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। जी मयूरी, आपको बता दें कि एक 17 साल पुराने मामले में जो उमेश पाल अपहरण केस है, उसमें प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और साथ ही जो अतीक अहमद समेत 11 दोषी थे, अभियुक्त थे, उनको दोषी करार दिया है। आपको बताया कि अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से और प्रयागराज के कोर्ट लाया गया, जो 10 किलोमीटर का सफर था, और 10 किलोमीटर के सफर की अगर बात करें तो 28 मिनट में तय हुआ। साथ ही साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ वैन में सीसीटीवी फुटेज लगाकर, सीसीटीवी कैमरा लगाकर और कोर्ट परिसर में लाया गया, तो उस वक्त तमाम अतीक अहमद से पीड़ित लोग जूतों की माला लेकर और प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। उनका साफ तौर से कहीं ना कहीं आज के दिन का वो इंतजार कर रहे थे और उनका कहना था कि बहुत लोगों को तंग किया है, अब हम इसे जूते की माला पहनाएंगे। आपको बताएं कि अतीक अहमद को जब कोर्ट लाया जा रहा था, उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से उसे पहले एक खाली वैन को वहां से निकाला गया कि अगर कोई इस तरह की साजिश हो तो खाली वैन को पहले निकाल कर उसके ठीक बाद दूसरी वैन को निकाला गया। बात करें तो 11:34 पे पहली वैन को खाली रवाना किया गया और दूसरी वैन को 11:48 पर रवाना किया गया, जिसमें अतीक अहमद बैठा हुआ था। आपको बता दें कि अब सजा तय हो गई है और इस पे अब आगे की कार्रवाई कोर्ट कर रहा है। अगर बात करें तो इनकी दोषी करार दे दी गई है और सजा की अब जल्द ही सजा भी सुना दी जाएगी। आपको बताया कि ये पहली मर्तबा है 100 से अधिक मामलों में अतीक अहमद का नाम आ चुका है, आरोपी बन चुका है, मगर पहली बार अतीक अहमद पर सजा सुनाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोषी करार के बाद अब सजा सुनाने की प्रक्रिया है, माननीय जो कोर्ट है वो क्या सजा सुनाती है। जल्द ही प्राइम टीवी के आप माध्यम से प्रदेश भर की जनता जानेगी। साथ ही आपको बताएं मयूरी कि अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा ने इस फैसले को के बाद आगे की रणनीति तय होगी, ऐसा वो मीडिया बाइट्स में कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम माफ करिएगा, वो इस मामले को एमपीएमएलए की प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अब वो हाई कोर्ट का
दरवाजा खटखटाने की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से उमेश पाल और उसके रिश्तेदारों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही जो इस कोर्ट के अंदर में जो माननीय जज फैसला आज सुनाएंगे, जिन्होंने अभी आरोप तय किया है, उनके भी सुरक्षा तैनात किए गए, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही आपको बताएं कि जेल और कोर्ट के मुख्य गेट पर भारी सुरक्षा बलों की आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी, भारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। आपको बताएं कि एक इस मामले में जहां अतीक अहमद के कुछ रिश्तेदार सहयोगी भी अतीक अहमद के इस आज के पेशी में उनके उसके साथ कोर्ट परिसर के बाहर खड़े दिखे, मगर उमेश पाल के परिवार से कोई भी कोर्ट नहीं आया। आपको बताएं कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उमेश पाल की पत्नी जया पाल और उनकी माँ भाई रिश्तेदार कोर्ट में मौजूद नहीं रहे और कहीं ना कहीं परिवार को एक डर सता रहा है। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं आज एक अहम उसमें कड़ी देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि अगर उमेश पाल के अपहरण केस को पढ़ा जाए तो 18 साल की दोनों के बीच दुश्मनी है। वहीं अगर बात की जाए तो 25 जनवरी 2005 को बसपा के विधायक राजू पाल के मर्डर के साथ हुई थी। उसके बाद आपको बताया कि राजू पाल का जब मर्डर केस हुआ उस वक्त से ही लगातार बात करें तो उमेश पाल और अतीक अहमद में दूरियां बढ़ती गईं और दोनों के बीच दुश्मनी कहीं ना कहीं आगे होती रही। और आपने देखा कि आज से ठीक 33 दिन पहले प्रदेश के प्रयागराज जिले में कैसे निर्मम तरीके से अतीक के गुर्गे, जिसमें अतीक का पुत्र असद की अगुवाई में तमाम हथियारबंद लोग उमेश पाल की हत्या करते हैं, जिसके बाद आपको बताएं कि ये तो एक अलग कड़ी है, मगर इसको आज कोर्ट के अंदर में जब पेश किया गया अतीक अहमद को तो तमाम चीजों को एविडेंस के तौर पर जो शासन के वकील थे, माफ करिएगा, जो उमेश पाल के वकील थे और राजू पाल के अपहरण के जो वकील थे वो सभी मौजूद रहे और सभी को माननीय जज के सामने रखा। आपको बताएं कि राजू पाल की हत्या के चलते अतीक के खिलाफ देखा जाए तो मायावती ने कार्रवाई की थी। जब ये पूरा वारदात हुआ तो उस वक्त 2007 में अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई थी, जिसमें उसके चकिया का जो टॉर्चर रूम था उसको ध्वस्तीकरण किया गया। उसके ठीक बाद 2020 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब आई तब एक बार फिर चकिया जो अतीक अहमद का टॉर्चर रूम है जहां पर वो राजू पाल को अपहरण के बाद लेकर गया था, टॉर्चर किया था, उसको भी ध्वस्तीकरण किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब तक जो उत्तर प्रदेश के खूंखार अपराधियों में से एक अतीक अहमद पर अब पहली बार सजा तय दोषी करार दिया गया है, साथ ही 11 लोगों को और दोषी करार दिया गया है, अतीक अहमद के भाई पे भी दोषी करार दिया गया है। अब क्या सजा सुनाई जाती है वो जल्द ही सामने होगी, मगर प्रदेश भर की निगाहें अतीक अहमद के मामले पे है और कहीं ना कहीं देखें तो अतीक अहमद का जो साम्राज्य था वो उत्तर प्रदेश समेत साथ ही उत्तराखंड में भी फैला था और कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें देखा जाए तो अतीक अहमद के पुत्र भी कहीं ना कहीं संलिप्त होते हुए नजर आए हैं, दुर्गे हैं वो कहीं ना। प्रयागराज कोर्ट का बड़ा फैसला आया, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आरोपी अतीक अहमद दोषी करार हुए हैं। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं जहां कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, अतीक, अशरफ और फरहान दोषी करार हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार किए गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, प्रयागराज कोर्ट ने दोषी करार दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, बता दें आरोपी अतीक अहमद दोषी करार हुए हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें कि अभी थोड़ी देर में कोर्ट सभी दोषियों को सजा भी सुनाएगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। जी बिल्कुल, करीब 17 साल पुराने मामले को लेकर MP MLA कोर्ट में आज इस फैसले की घड़ी थी और आज
एमपी वाले कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जहां पर अतीक अहमद, अशरफ तथा एक और आरोपी फरहान को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है। हालांकि अभी जो जो पूरी तरीके से बातें हैं वो ढाई बजे जाके एकदम स्पष्ट हो पाएंगी कि इनको किस तरीके की सजा दी गई है, लेकिन ये इसमें दोषी पाए गए हैं और अभी जो है कोर्ट का लंच का समय है, लेकिन अभी ढाई बजे ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि इनको किस तरीके की सजा दी गई है। अगर पूरे मामले की बात करें तो 2005 में राजू पाल हत्याकांड मामले में को लेकर मुख्य गवाह थे उमेश पाल, जिनको बीते 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पूरे मामले को लेकर करीब 17 साल पहले अतीक एंड कंपनी ने उमेश पाल को अपहरण कर लिया था और उस अपहरण को लेकर 2007 में उमेश पाल द्वारा धूमनगंज थाने में मुकदमा लिखवाया गया। तो उस मुकदमे के दौरान 10 लोगों के नाम सामने आए थे। अगर इस पूरे 10 आरोपियों की बात करें तो एक आरोपी जिसकी पूर्व में ही मौत हो चुकी है, लेकिन कुल 9 आरोपियों जिनका कोर्ट में पेश किया गया और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने इनको दोषी पाया है। तो करीब ढाई बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि अतीक, फरहान और अशरफ के ऊपर किस तरीके की सजा की जो है ऐलान किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आज 17 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो निश्चित रूप से प्रयागराज के लोगों के लिए और पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर कही जाएगी, क्योंकि इतने बड़े मामले को लेकर आज 17 साल बाद कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। हालांकि अगर उमेश पाल के मर्डर केस की बात की जाए तो उमेश पाल के मर्डर बीते 24 फरवरी को किया गया और इस पूरे मामले को लेकर उमेश पाल के जो परिजन है उन्होंने साफ तौर पर अतीक एंड कंपनी के का इनकाउंटर करने तथा उनके पूरे कुनबे को खत्म करने की बात जो है उन्होंने मांग रखी थी वो सामने आई थी। लेकिन आज जिस तरीके से आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो निश्चित रूप से न्यायपालिका पर भी लोगों का भरोसा बढ़ा, क्योंकि अगर 17 साल बाद इतने बड़े मामले को लेकर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया तो निश्चित रूप से उमेश पाल के परिजनों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी कोर्ट और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले को जल्द ही कोर्ट में चलाएगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी ताकि उमेश पाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हालांकि इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया, जब कोर्ट परिसर में अतीक अहमद को पेश किया जा रहा था तो बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या की गई थी तो उमेश पाल का एक दोस्त है वरुण देव पाल, जो एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर वो जूते की माला लेकर पहुंचे थे, उसकी तस्वीर भी सामने आई है और उन्होंने अतीक को कहा है कि जो डर गया सो मर गया। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं वो अभी सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं, तो निश्चित रूप से अतीक का जो खौफ था पूरे पूर्वांचल में या पूरे प्रयागराज में वो लोगों के लिए दहशत का माहौल था। तो आज जिस तरीके से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है अभी थोड़ी ही देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि अतीक, अशरफ और फरहान को किस तरीके की सजा दी जाएगी। थी पवन, ये पहली बार होगा कि अतीक को किसी मामले में अभी सजा सुनाई जाएगी, कहीं ना कहीं ये नाजिर बनेगा। जी बिल्कुल, अतीक के अगर पूरे साम्राज्य की बात की जाए तो अतीक के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वही अतीक के भाई की बात की जाए अशरफ, तो अशरफ के ऊपर करीब 53 मामले दर्ज हैं। तो ये जो मामलों की बात की जाए तो इनके ऊपर लूट, हत्या, अपहरण और फिरौती मांगने जैसे तमाम संगीन धाराएं हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे न्यायपालिका के लिए भी एक बड़ी बात होगी कि आखिर 17 साल बाद इतने बड़े फैसले को लेकर कोर्ट ने अपनी फैसला दिया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि इस काले साम्राज्य का जो पतन है वो साफ तौर पर शुरू हो गया है, क्योंकि बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया था तो उसके दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जोर देकर कहा था कि इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को मिट्टी में मिला दूंगा। हालांकि वो जो तस्वीरें थी वो भी हमने पूर्व में देखी कि घटना में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने किस तरीके से मुठभेड़ में मार गिराया है और उस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड कंपनी का नाम भी सामने आया है। तो ऐसे में अतीक के जो पतन का दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अतीक का जो काला साम्राज्य है वो पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रयागराज में छाया हुआ था। तो ऐसे में 17 साल बाद इस बड़े मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अतीक, फरहान और अशरफ दोष सिद्ध पाए गए हैं और ढाई बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनको किस तरीके की सजा दी जाएगी। जी जी पवन, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि दोषी करार के बाद क्या कुछ सजा सुनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।